A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My dear students, assalamu alaikum. It is class 8th, subject English. My topic is punctuation marks. Pyare bachcho, there are 14 punctuation marks in English. Punctuation marks ko sikhna bahut zaruri hai. Punctuation shows that how the sentence should be read and makes the meaning clear. Pyare bachcho, ye punctuation marks jo hain, आज हम इनमें से ये 14 पंक्चुएशन मार्कर जो है इनकी तादाद जो है इनमें से आज हम 6 पंक्चुएशन मार्कर्स को पढ़ेंगे तो बाकी जो पेंडिंग पंक्चुएशन मार्कर्स हैं इनको हम नेक्स्ट दूसरे क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे जानने की कोशिश करेंगे तो पहले बच्चों सबसे पहले हम ये पंक्चुएशन मार्कर्स में से पहला वाला जो है वो है फुल स्टॉप ये फुल स्टॉप जो है जिसका सिंबल यहां पे ये डॉट दिखाया हुआ है तो इसको हम पीरियड भी कहते हैं इस फुल स्टॉप को हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों ये फुल स्टॉप जो होता है इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश में आपको पता ही है कि हर सेंटेंस इंग्लिश में कैपिटल लेटर से शुरू होता है और इस सेंटेंस के आखिर पे हम क्या करते हैं फुल स्टॉप लगाते हैं नंबर 2 इस फुल स्टॉप का हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं इट इज यूज्ड टू शो दैट अ वर्ड इज एब्रिविएटेड ये कभी हमें ये दिखाता है कि कोई वर्ड जो है वो एब्रिविएटेड है जब हम किसी वर्ड को एब्रिविएट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो एट दैट टाइम हम क्या करते हैं इस फुल स्टॉप को हम इस्तेमाल करते हैं यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है सेंटेंस की सबसे पहले मैं बताऊंगा आई एम गोइंग टू द मार्केट ये एक मुकम्मल जुमला है यहां पे ये सेंटेंस जो होता है ये मुकम्मल होता है यहां इसका एंड होता है तो इसके एंड पे हम क्या करते हैं यहां बात खत्म होती है मुकम्मल होती है तो इस सेंटेंस के आखिर पे हम क्या करते हैं फुल स्टॉप लगाते हैं यहां पे मैंने लिखा है डॉक्टर डी और मैंने ये एब्रिविएटेड लिखा है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एब्रिविएटेड वर्ड्स जब हम लिखते हैं तो जब हम ये वर्ड्स जो होते हैं जो एब्रिविएटेड होते हैं तो इनके लास्ट पर भी हम क्या करते हैं इनके आखिर पर भी हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं जिस तरह डी और डॉक्टर यहां पे इसके लास्ट पे मैंने फुल स्टॉप लगाया है या जे ए एन जैन ये जनवरी है असल में तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहां पे तो जब हम इसको एब्रिविएट करते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं एब्रिविएट करते हैं जब हम किसी वर्ड को तो इसके आखिर पर भी हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं जिस तरह ये जैन है इसके लास्ट में मैंने फुल स्टॉप लगाया है लेकिन असल में क्या है ये जनवरी है तो इसको हम जनवरी पढ़ेंगे फिर बाद में तो इस तरह प्यारे बच्चों आपको पता चला है कि ये फुल स्टॉप जो होता है इसको हम सेंटेंस के आखिर पे लगाते हैं इसके अलावा हम जो वर्ड्स होते हैं एब्रिविएटेड वर्ड्स जो होते हैं इनके लास्ट पर हम इस फुल स्टॉप को लगाते हैं ओके तो अब हम नंबर 2 पे चलते हैं क्वेश्चन मार्क जिसका सिंबल यहां पे दिखाया हुआ है ये वाला ये क्वेश्चन मार्क जो होता है इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं इसको हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी से सवाल पूछते हैं या कोई हमसे सवाल पूछता है जिस सेंटेंस में सवाल पूछा जाता है उस सेंटेंस के आखिर पे हम इस क्वेश्चन मार्क को लगाते हैं तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन तो प्यारे बच्चों यहां पे आप देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज योर नेम तो यहां पे सवाल पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है यहां सवाल पूछा जाता है इस सेंटेंस में तो इस सेंटेंस के आखिर पे यहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन मार्क को हम अब कहां पे लगाते हैं जिस जहां क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सवाल पूछे जाते हैं तो वहां हम इस क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं नंबर 3 एक्सक्लेमेशन मार्क जिसका सिंबल है एक लाइन है यहां पे और इसके नीचे डॉट है ये एक्सक्लेमेशन मार्क है इस एक्सक्लेमेशन मार्क को हम उस सेंटेंस के लास्ट पे लगाते हैं जहां हम स्ट्रांग फीलिंग या स्ट्रांग इमोशन या सडन फीलिंग देखते हैं जिस जो सेंटेंस सडन फीलिंग या स्ट्रांग इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा होगा उस सेंटेंस के आखिर पे हम क्या करते हैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क हम लगाते हैं जिस तरह यहां पे आप देखिए हुरा इसके बाद मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क यहां पे लगाया है हुरा खुशी का इजहार करना या ओह माय गॉड इस पर इसके आखिर पर भी मैंने एक्सक्लेमेशन लगाया है एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है या वेल डन इसके बाद भी मैंने आखिर पर भी मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क यहां पे लगाया है तो प्यारे बच्चों इस तरह आपको पता चला है कि एक्सक्लेमेशन मार्क हम
वहां लगाते हैं जहां हम सडन फीलिंग या स्ट्रांग फीलिंग या स्ट्रांग इमोशन को देखते हैं. तो इसके बाद यहां पे अब चलते हैं. ये नंबर 1, 2 एंड 3 फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क ये तीनों जो है इनको हम टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं. व्हाई वी कॉल देम टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क्स, वजह यह है कि यहां पे बात खत्म होती है, यहां सेंटेंस एंड होता है. चाहे वो कोई सेंटेंस हो जिसके आखिर पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे, कोई मुकम्मल सेंटेंस हो जहां पे बात खत्म होती है, या कोई क्वेश्चन हो जहां पर भी हम इस क्वेश्चन मार्क को लगाते हैं आखिर पे, या एक्सक्लेमेशन मार्क हो ऐसे सेंटेंस के आखिर पे लगाते हैं जहां सडन फीलिंग या स्ट्रांग इमोशन का इजहार होता है. इस तरह के ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें से बात मुकम्मल होती है, खत्म होती है. यही वजह है इस फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क को हम टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं. नंबर 4 कॉमा. ये कॉमा जो है इसका सिंबल यहां पे आप देखिए कॉमा, ये कॉमा इसको हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं. इट इज यूज्ड टू सेपरेट टू और मोर नाउन्स एंड इट इज यूज्ड टू सेपरेट डायरेक्ट स्पीच. तो प्यारे बच्चों यहां पे आप देखिए ये कॉमा जो है यहां पे आप देखिए इसकी मिसाल है शी बॉट मिल्क कॉमा एग्स एंड ब्रेड. यहां पे देखिए ये मिल्क जो है नाउन है, एग्स जो है नाउन है, ये ब्रेड जो है ये नाउन है. यहां पे इन नाउन्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं. कॉमा इज यूज्ड टू डिनोट द शॉर्टेस्ट पॉज. तो प्यारे बच्चों इसके अलावा इस कॉमा को हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं, टू सेपरेट डायरेक्ट स्पीच. यहां पे आप देखिए डायरेक्ट स्पीच द मदर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन कम हियर फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमास क्लोज. तो ये डायरेक्ट स्पीच जो है इसको भी सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमा का इस्तेमाल करते हैं. या अगर हम डिजिट नंबर या ये नंबर जो होते हैं जिस तरह मोर देन 999 इसके बाद 1000 आता है, जब हम 1000 को लिखते हैं हम इस तरह वहां कॉमा का इस्तेमाल करते हैं. हम इस तरह लिखते हैं 1,00. तो इस तरह हम 1000 लिखते हैं फिर. तो वहां पर भी ये जो मोर देन 999 जो ये नंबर्स होते हैं वहां पर हम फिर इस कॉमा का इस्तेमाल करते हैं. तो इसके बाद पहले बच्चों नंबर 5 सेमी कॉलन है जिसका सिंबल यहां पे है नीचे कॉमा और ऊपर ये डॉट है. ये सेमी कॉलन जो होता है ये कहां पे इस्तेमाल होता है. इट इज यूज्ड टू जॉइन टू कंप्लीट थॉट्स और टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस व्हिच स्टैंड अलोन एज वन कंप्लीट सेंटेंस. जिस तरह यहां पे आप देखिए सेमी कॉलन की मिसाल यहां पे मैंने लिखी है माय डॉटर इज ए टीचर सेमी कॉलन माय सन इज ए डॉक्टर फुल स्टॉप. प्यारे बच्चों एक बात आपको याद रखना है कि जब हम इस सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं तो वहां हम फिर कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिस तरह एंड या बट, एंड और बट, तो वहां पे हम कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं. तो इस तरह प्यारे बच्चों आपको पता चला है कि ये सेमी कॉलन जो होता है ये यूज होता है टू जॉइन टू कंप्लीट थॉट्स और टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. इसके बाद हम कॉलन पे चलते हैं. ये कॉलन जो होता है इसका सिंबल है टू डॉट्स. यहां पे देखिए ये कॉलन इसको हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं, इस कॉलन को कहां पे हम इस्तेमाल करते हैं. इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट. जब किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है तो वहां पे हम इस कॉलन का इस्तेमाल करते हैं. जिस तरह जब हम इंग्लिश बुक में कोई लेसन पढ़ते हैं तो इसके आखिर पे हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं. तो वहां पे क्या लिखा हुआ होता है, इस तरह का सेंटेंस लिखा हुआ होता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिर आगे कॉलन लिखा होता है. तो इसका मतलब है कि नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, लिस्ट क्वेश्चंस का कोई एक लिस्ट होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे वहां पे. तो ये एक क्वेश्चन का लिस्ट होता है, वहां पे हम इस तरह का सेंटेंस लिखते हैं और इस तरह के सेंटेंस के एंड पे हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा अगर कोई डायलॉग लिखना होगा, कोई डायलॉग लिखना होगा मतलब कभी हम डायलॉग लिखते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं, इस कॉलन का इस्तेमाल करते हैं. तो हम कह सकते हैं कॉलन इज आल्सो यूज्ड इन राइटिंग ए डायलॉग बिटवीन टू कैरेक्टर्स इन ए प्ले. जिस तरह के भी हम लिखते हैं, मतलब मैं लिखूंगा यहाँ पे टीचर, कॉलन लिखा है मैंने, फिर टीचर आगे अपनी बात कहेगा, फिर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है और कॉलन स्टूडेंट की और मतलब अपनी स्टूडेंट के अपने वर्ड्स होंगे. तो इस तरह ये डायलॉग एक किस्म का जो डायलॉग हम लिखते हैं, डायलॉग राइटिंग के लिए हम इस कॉलन का इस्तेमाल करते हैं. तो ये वाले जो हैं कॉमा सेमी कॉलन या कॉलन ये तीनों इनको हम
पॉज पंक्चुएशन मार्कर्स कहते हैं, पॉज मीन्स टू स्टॉप, या हम इनको पॉजिंग पॉइंट्स कहते हैं। जिस तरह हम इन पहले वाले तीन को फुल स्टॉप जो है या क्वेश्चन मार्क जो है या एक्सक्लेमेशन मार्क जो है इनको टर्मिनल पंक्चुएशन मार्कर्स कहते हैं, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, कामा हो या सेमी कोलन या कोलन, ये जो तीन पंक्चुएशन मार्कर्स जो है इनको हम पॉजिंग पॉइंट्स कहते हैं या इनको हम पॉज पंक्चुएशन मार्कर्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज जो मैंने ये छह पंक्चुएशन मार्कर्स आपको यहाँ पे पढ़ाया है, जो पेंडिंग रह गए हैं बाकी पंक्चुएशन मार्कर्स, इनको मैं आपको दूसरे क्लास में पढ़ाऊंगा। आई एम श्योर कि आपको ये ठीक तरह से, आज जो मैंने आपको यहाँ पे पंक्चुएशन मार्कर्स मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, आई एम श्योर, मुझे उम्मीद है कि आपने इनको ठीक तरह से समझा होगा। आज इतना ही, शुक्रिया, खुदा हाफिज़, थैंक यू।